हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिल्लू संबलपुरी ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए, मैं गांव गई थी तो अरबी का पत्ता मुझे मिला, तो मैं लेके आई हूँ। दो पत्ता नीचे का बड़ा बड़ा तोड़ने के समय वो फट गया है, फिर भी देखो इसको मैं धो चुकी हूँ अच्छे तरीके से पानी में। ये देखिए, आज हम इसी का पकौड़े बनाएंगे। अभी मैं पहले एक बाउल ले लूँगी, उसमें मैं बेसन डालूँगी, 2 कप बेसन। फिर उसमें मिर्ची पाउडर मैं डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद धनिया पाउडर डाली, अजवाइन डालेंगे उसमें, उसके अंदर फिर नमक, उसके अंदर आखा जीरा भी डाल सकते हैं। और ये है इमली, मेरे पास अमचूर पाउडर नहीं था तो मैं इमली डाल रही हूँ। इमली से बहुत अच्छा होता है, इमली का पानी है। और आधा मैं डाली हूँ नींबू, इमली के वो पानी से मैं इसको ये करूँगी, उसको ठीक रखेंगे। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं कि ज़्यादा पतला भी नहीं, अच्छी तरीके से मैं इसको बेसन को मैं मिला दी हूँ, ये देखिए। और मैं एक प्लेट ले ली हूँ थाली, उसको पलटी करके रख दी हूँ। मेरे पास बड़ा वाला नहीं है तो उसके ऊपर फिर अब पत्ता हम रख दिए, पत्ते के ऊपर उसको हम लेप लगाएंगे, अच्छी तरीके से लगाएंगे हर तरफ लेप पत्ते में। देखो मैं कैसे लगा रही हूँ, ऐसे लगा देंगे। फिर उसके ऊपर और एक पत्ता अभी हम रखेंगे उसके ऊपर, साइज के अनुसार रखते हैं पत्ते, ये देखिए। फिर उसके ऊपर फिर मैं लेप लगा दूँगी, ऐसे करके सब पत्ते में ऐसे लगा देंगे हम लेप, एक एक करके। ज़्यादा नहीं, 4-5 पत्ता का ऐसे लेप लगाना है, ज़्यादा मोटी नहीं करना है ना। मैं 5 पत्ता का ऐसे लेप लगा के रखी हूँ, 5 पत्ते का। इमली का पानी देने से ना गले में बिल्कुल भी खराश नहीं होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए अच्छा लगता है मुझे इमली का पानी। और एक्चुअली अमचूर पाउडर भी नहीं है, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो यही देती हूँ। और इमली के साथ बहुत अच्छा लगता है। देखो तो हमारा एक रोल हो गया, फिर दूसरा रोल उसी तरीके से हम बनाएंगे, उसको एक के ऊपर एक रखेंगे। हाँ, और पत्ते के पीछे वाले डंठल को मैं निकाल दी थी, वो ज़्यादा खराश करता है इसीलिए उसको निकालना पड़ता है गले में, उसको निकालना ज़रूरी है, उसको मैं निकाली थी, वो बताने में मैं भूल गई थी। ऐसे ऐसे करके हम रख दिए, फिर इसको रोल बना लेंगे, और एक रोल हमारा 2 रोल बन जाएगा। ऐसे करके साइड वाला को ऐसे ला कर मोड़ के करने से अच्छा होता है, ये देखिए हो गया। अब इसी को हम स्टीम करेंगे, मैं भगोना बैठा दी हूँ उसी के ऊपर, ये रख देंगे, रख के थाली में ढक लिया। अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, 10 मिनट में हमारा ये पक जाएगा। ये देखिए हमारा, देखो अच्छे तरीके से पक गया है, उसी को हम निकाल लेंगे गैस से। मैं गैस को बंद कर दी हूँ, उसी से निकाल के अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी आधा घंटे के लिए, फ्रिज में ठंडा हो जाएगा और अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, जो काटेंगे ना अच्छे से निकलेगा। जिसके पास फ्रिज नहीं है तो फ्रिज में भी नहीं रखेंगे तो चलेगा, बाहर ठंडा होने के लिए रख देना, उसके बाद फिर इसको कटिंग करेंगे। और आके मैं यहाँ बैठ गई, प्राची लोग नहा रहे हैं, अभी खाना तो बना चुकी हूँ मैं, अभी ये बनाना बाकी था। देखो फ्रिज से मैं निकाल ली हूँ, आधा घंटा हो गया, अभी इसको मैं कट कर लूँगी। देखो कितना अच्छा तरीके से हो रहा है, ये देखिए ये वाला, एक वाला अच्छे से ज़्यादा टाइट नहीं हुआ था, पहला वाला जो कटिंग किया तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, दूसरी वाला देखो बहुत अच्छे तरीके से कटिंग हुआ था। फिर मैं गैस में चढ़ा दी थी कढ़ाई तेल गरम करने के लिए, ये देखो दोनों तरफ हम उलट पलट कर लेंगे, ब्राउन होने तक, अच्छे तरीके से पूरा क्रिस्पी होने तक हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। इसको चटनी के साथ भी ऐसे ही खाने से बहुत अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका सब्जी भी बनाते हैं हम लोग, और इसको एक खट्टी मीठी वाला भी बनाते हैं, वही मैं बना के दिखाऊंगी अभी। ये देखिए हमारा पकौड़ा रेडी हो गया, अब फिर वही कढ़ाई में मैं अब बनाऊँगी। ये देखिए 5 फुटन मैं इसमें अभी डाल दूँगी उसी कढ़ाई में, और उसमें डालूँगी कड़ी पत्ते, मेरे पास था कड़ी पत्ते उसी को डाल दिया, और अभी उसी में
मिर्ची डाल रही हूँ, हरी मिर्ची। उसको थोड़ा ऐसे भून लेंगे। देखो कितना सारा हरी मिर्ची डाली, क्योंकि तीखा खाना पसंद है ना, इसलिए एक चम्मच में चीनी डाल दिया। अभी उसके ऊपर नींबू डालेंगे, नींबू डाल दी। नींबू डाल के अभी मैं पानी डालूँगी, पानी थोड़ा सा फूट जाएगा, ये उबल जाएगा तो हम हमारा पकौड़े को इसी में देंगे। थोड़ा सा नमक डाल दें हम दोनों को, सबको हम ऐसे दे देंगे उसी के अंदर। दोनों तरफ उलट पलट कर लेंगे, उसी में पानी सूख जाएगा उसके अंदर। बहुत अच्छा लगेगा, खट्टी मीठी तीखी बहुत अच्छा लगता है ये वाला। मैं ऐसे ऐसे जब भी बनाती हूँ ऐसे बना के भी खाती हूँ, ऐसे ही खाऊँगी। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं भूलना। मेरे चैनल में जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जो कि मैं वीडियो छोड़ूंगी आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, रख रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।